इस समय मौजूद हैं यहाँ सहारनपुर बिजली घर पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं हमजा मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ संविदा कर्मी हैं, उनके सामने काफी परेशानी आ रही है पेमेंट को लेकर, उसी को लेकर बात करेंगे हमजा जी से। किस तरह के अधिकारियों से बात हुई है, क्या कुछ रहा है? अभी आप अधिकारी से मिले हैं, क्या कुछ मामला है जो ये संविदा कर्मी यहाँ पर बैठे हैं परेशान हैं, किस तरह का मामला? देखिए, पिछले 2 महीने से संविदा कर्मियों को पैसा नहीं मिला और एक त्यौहार तो निकल गया, दूसरा त्यौहार सर पर है। ये सब आए थे साथ ही माननीय सांसद जी के पास, तो आज हम मिलने आए हैं और हमें आश्वासन भी दिया एक्शन साहब ने कि भाई इनके पेमेंट जल्द से जल्द किया जाएगा। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है, अनुरोध है प्रदेश सरकार से कि गरीब जनता है, बगैर पैसे के काम कैसे करेगी? अगर काम नहीं करेंगे तो इनका घर कैसे चलेगा? 2 त्यौहार आपने निकलवा दिए, चाहे आपका नवरात्रे हो चाहे आपके दशहरा हो, अब दिवाली आपके सामने आ रही है और ये त्यौहार कैसे मनाएंगे? इनकी पेमेंट को अगर नहीं करा जाएगा तो ये नाइंसाफी है। अभी हमें आश्वासन दिया है एक्शन साहब ने कि भाई 2 दिन के अंदर इनका, 1 महीने का और 10 दिन के अंदर दूसरे महीने का पेमेंट कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि वो आश्वासन पर खरे उतरे और इनका पेमेंट जल्द से जल्द हो। लेकिन अगर, और ये समस्या सिर्फ इन्हीं की नहीं है, पूरे जिले के कर्मचारियों के साथ ही हो रहा है। अभी मुझे पता लगा कि बगल के जिलों में भी ये परेशानियां हैं। आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार से पुनः अनुरोध करता हूँ कि इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की तरफ नजरें इनायत करें और इनके, ये भी गरीब जनता है, ये बंधुआ मजदूर नहीं है, ये अगर मेहनत करते हैं तो इनको इनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। अगर ये लोग घर बैठ गए या ये लोग काम नहीं करेंगे तो पूरी बिजली व्यवस्था चरमरा जाएगी। अगर एक भी कर्मचारी, एक भी बिजली विभाग का डिपार्टमेंट का कर्मचारी अगर घर बैठ गया तो आसपास के 15-20 बिजली घरों पर इफेक्ट पड़ता है। तो मेरा अनुरोध है, गुजारिश है, इनकी समस्या जल्द से जल्द निपटे और आश्वासन भी दिया है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द निपटेगी और स्मूथली हमारा काम चलता रहेगा बिजली विभाग का। जैसा कि देख सकते हैं हमजा मसूद जी हैं, उनके एक्शन से बात हुई है, यहाँ संविदा कर्मी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके का आश्वासन रहा है और क्या कुछ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उद्यम सैनी है सर। हमारे यहाँ बहुत ही पिछले 1.5 साल से बहुत समस्या चल रही है सैलरी को लेकर। हमारी पिछली कंपनी ने भी हमारा 1 मंथ का, हाँ देखा, 1 मंथ की सैलरी रोक रखी है। उसके उपरांत EPF हमारा 8 महीने का तो वैसा रुका हुआ है, किसी का तो 1-1.5 साल का रुका है, जिस किसी का तो EPF इन्होंने डाला ही नहीं, इतना बुरा हाल कर रखा है। तो बिल्कुल, अब उसमें भी जो नई कंपनी आई है उसमें भी इन्होंने, जैसे कि अधिकारी बोल रहे हैं कि घास कटवाने का टेंडर वो अलग से होता है, ये बोलते हैं हमें दबाव बना कि आप कटो, ठीक है जी, अब 2 मंथ होगी सैलरी नहीं। हमारे लड़कों को बिजली घर से धमका रहे कि आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। बताओ, जो 15 किलोमीटर से आ रहा, 2 मंथ हो गए सैलरी नहीं आई, तो कैसे आएगा, कहाँ से पेट्रोल का पैसा लाएगा, कहाँ से अपना जा रहा है? मंडल के में ही पूरी प्रॉब्लम है, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, तो तीनों जिले के यहाँ पर कर्मचारी हैं अभी? नहीं सर, यहाँ पर केवल सहारनपुर जिले के कर्मचारी हैं। वो कल हमारे SC साहब मुजफ्फरनगर बैठते हैं, उन्होंने, वो उनके पास गए थे, उन्होंने भी उन्हें आश्वासन ही दिया है, केवल अभी कोई प्रक्रिया नहीं हुई। आपका क्या नाम? सर मेरा नाम सुबोध कुमार है। क्या कहेंगे जिस तरह की समस्या आ रही है? सर समस्या तो बहुत बुरा हाल है, हम त्यौहार मना भी नहीं सकते, ऐसा बुरा हाल है। और सर ऐसा जैसे मानना है कि हमने फोन ले लिया कोई किस्तों पे या बाइक वगैरह ले ली, तो सर फोन भी बंद हो गए और बाइकें भी खींच के चली गई। सर इतनी समस्या आ रही है, घर भी नहीं चल पा रहा है। अगर घर में कोई बीमार आदमी है तो सर दवाई भी टाइम से नहीं मिल पा रही है। हाँ जी सर। सर और अगर सैलरी को लेकर बात करें तो सर, अगर हम अपने सुपरवाइजर से बात करते हैं ना, तो सर वे सही तरीके से बात भी नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि सैलरी हम अपने हिसाब से देंगे, जब भी देनी होगी। सांसद से आप लोग मिले थे, हमजा मसूद आए थे, तो क्या आश्वासन रहा है? जी सर, हमजा जो हमारे जो बड़े भाई हमजा मसूद जी हैं, वे आए थे यहाँ पर और उन्होंने एक्शन साहब से बात की है और आश्वासन मिला है कि जो नई कंपनी है वो 2 दिन में अपना आपका पेमेंट डाल देगी और जो पुरानी कंपनी है उसमें समय दिया है कुछ उसके लिए। और सर जो PF को लेकर बात हुई है उसमें उन्होंने, एक्शन साहब ने बोला कि हमने रुकवाया हुआ है। सर ये नहीं बताया कि किस कारण से रुकवाया हुआ है। कितना पेमेंट आप लोगों का भी रुका हुआ है अगर हाल ही की बात करें? एक एक आदमी का कम से कम 50-50 हज़ार रुपये का पेमेंट रुका हुआ और इसमें बिजली विभाग में इतना घोटाला आया कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोटे मजदूर आदमी को दबाया जा रहा और दबाव देने के बावजूद तनख्वाह दे नहीं रहे, और तनख्वाह अगर आती है तो ये काम करेंगे, अगर तनख्वाह जैसे कि आ गई तो काम पे लग जाएंगे, और तनख्वाह नहीं मिल रही तो काम पे कैसे आएंगे? ये बताओ कि हमारे बाल बच्चे हैं, हमारे परिवार हैं, बीमार भी होते हैं, तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा हमारे पास?
अभी जो है दशहरा गया है, नवरात्र गए हैं, अब दिवाली है, तो पैसा नहीं है तो किस तरह से करेंगे, क्या कुछ हो रहा है? बस जी कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ ऐसा हो रहा है किसी वजह धारा से धारा लेकर त्यौहार मनाते हैं, वो भी ऐसा ही मनता है, बच्चे परेशान हैं। अजी दूसरा नंबर यह है, लड़कों ने किसी ने किस्त ले रखी है, उसे प्रॉब्लम हो रही देने की, किस्त वाले परेशान करते हैं, मजदूर आदमी हैं, इन्होंने ऐसा हाल कर रखा है, किसी को सब लड़के परेशान है फिलहाल। क्या मांग करते हैं सरकार? अजी हमारा ये सोल्यूशन होना चाहिए सरकार से है, जी हमारी सैलरी टाइम पर आनी चाहिए, और लड़कों का जितने सब हैं सभी भाइयों को पैसा टाइम पे मिलना चाहिए सर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है संविदा कर्मी जो हैं यहाँ अपनी मांगे लेकर पहुँचे हैं। एक्शन से जो है हमजा मसूद जो कांग्रेस सांसद हैं उनके भतीजे हैं वो आए थे, उनकी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अभी जो है एक महीने का जो इनका पेमेंट है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि आगे अभी जो है दिवाली का जो है त्यौहार भी आना है, उसी को लेकर ये लोग लगातार परेशान हैं। इनका कहना है कि किसी भी तरह हो हमारी जो सैलरी है वो रिलीज़ हो जाए, उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये अपना जो है त्यौहार मना सकते हैं। सहारनपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए शमी मैम। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।